ढिकटानिया खरीफ चैनल एक और दो भंबूर सलारपुर खरीफ चैनलों के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए किसान संघर्ष समिति का समस्त ग्रामीणों के सहयोग से धरना लघु सचिवालय में अभी भी जारी है। प्रधान हीरा सिंह, मीडिया प्रभारी बलकार सिंह, सचिव जगरूप सिंह सहित कई प्रभावित ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द उनकी समस्याओं का समाधान अगर नहीं हो पाया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा के 15 गांव मंगाला, मोडियाखेड़ा, चौबुरजा, ढिकटानिया, रंगड़ीखेड़ा, शहीदावाली, सलारपुर, टिटूखेड़ा, नानकपुर, भंभूर, ढाणी, जस्सा, रामनगरिया, नटार, चकराइया, खाजाखेड़ा, शाहपुर, बेगू आदि कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग साल 2009 से घगर के पानी के लिए मांग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनके इलाके में सभी गांव की जमीनी पानी का वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है, यानी 500 फुट तक नीचे गहराई तक पहुंच गया है और इससे नीचे का पानी खेती करने योग्य और पीने लायक नहीं है। इसी कारण किसानों की भूमि लगातार बंजर होती जा रही है। फसल न होने के कारण लगातार यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चैनलों की मुख्यमंत्री ने 2014 में घोषणा भी की थी, बजट भी मंजूर हो गया, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी के कारण आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। जगरूप सिंह चौबुरजा संघर्ष समिति के सचिव हूं और लगातार ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये आज 9वें दिन में शामिल हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई भी इस धरने में आश्वासनों के बिना कुछ भी नहीं मिला और अभी तक जो प्रशासन के साथ बात हुई, कल हमारे साथियों को यहाँ SDM ने बुलाया था और उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। और हम बकायदा तौर पर मांग करते हैं कि जब तक ये हमारे चैनल, हमारे ये जो खरीफ चैनल हैं, ढिकटानिया खरीफ चैनल 1-2 और पंबूर सलारपुर खरीफ चैनल, ये दोनों चैनल की खुदाई शुरू नहीं हो जाती और वाजिब रेट जो मार्केट रेट है उनका, उनको किसानों को मुहैया नहीं कराए जाते, तब तक ये जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन के लिए चालू रहेगा और ये धरना मजबूती के तरफ बढ़ेगा। और आने वाले समय में अगर 5-7 दिन में ये काम नहीं किया सरकार ने, तो हम बकायदा तौर पर इस आंदोलन को तेज करेंगे और यहाँ पुतले भी सारे जा सकते हैं और बहुत कुछ और भी किया जा सकता है, बाजारों में भी हम प्रदर्शन करेंगे। पुतले किन किन के पुतले छाड़ो? हरियाणा सरकार के पुतले छाड़ेंगे और जिन्होंने हमारे साथ वायदे किए थे उनके पुतले जलाएंगे। इसमें सारी पार्टियां हैं जी। अब इलेक्शन का समय आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपका क्या विरोध रहेगा? इलेक्शन के दौरान यदि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो हम अपने गांव में और साथ में दूसरे गांव में भी जा करके बकायदा तौर पर ये कहेंगे कि इन लोगों का जिन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करते उनका बकायदा तौर सामाजिक बाइकाट किया जाए, उनको वोट तो देने का मतलब ही नहीं पैदा होता।